बाबा साहेब की पुण्य स्मृति पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री और दिल्ली के हमारे अध्यक्ष गोपाल राय जी, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राकेश बिडलान जी, आज के इस आयोजन में पधारे सभी विधायकगण, निगम पार्षद, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंशु जी, एसएसटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बाली जी, सभी अधिकारीगण और दिल्ली के 70 विधानसभाओं के कोने कोने से पधारे सभी भीम सैनिक और सैनिकाओं की भाइयों सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहेब को उनके 62वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो डॉक्यूमेंट्री अभी चली, इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर मुझे लगता है कि आज तक हमारी सरकारों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो बहुआयामी चरित्र थे, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, उसको बहुत छोटा करके संकुचित करके बनाया। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्रीज तलाशी, तमाम डॉक्यूमेंट्री तलाशने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी सरकारें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल दलितों का मसीहा के रूप में पेश करती रही हैं और यह डॉक्टर बाबा साहेब के साथ अन्याय है। अन्याय क्यों है वो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे देश में एक तरफ अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ आजादी का आंदोलन छिड़ा था, जिसमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और लाखों की संख्या में देश को आजाद कराने वाले मतवाले लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस पूरी आजादी की आंदोलन की लड़ाई में एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते जब मैं उसको पढ़ता हूं, इस पूरे आजादी के आंदोलन में दलितों की आजादी की बात कहीं नहीं हुई, महिलाओं की आजादी की बात कभी नहीं हुई। पूरा आजादी का आंदोलन अंग्रेजों से सत्ता निकलकर हमारे अपने देश के काले अंग्रेजों के हाथ में आ जाए, उसका जो दायरा था, जितना बड़ा होना चाहिए था, उतना नहीं था। तो एक तरफ तो वो गुलामी थी जो अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी, जिसका पूरा देश गुलाम था, लेकिन एक तरफ दूसरी गुलामी थी